हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शशौल जी यूजीसी नेट की एक और वीडियो के बारे में। आज की इस वीडियो में हम 50 बुक्स के बारे में बात करेंगे, यानी 50 बुक्स की शशौलजिस्ट या ऑथर्स द्वारा लिखी गई हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम जो है एक वीडियो में 25 बुक्स को कवर कर चुके हैं। जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, तो सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन का बटन होता है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि कई स्टूडेंट को जो है हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे थे, और साथ ही साथ जब भी आप हमारा चैनल ओपन करते हैं तो आपको जब साइड में स्क्रॉल करते हैं तो आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नजर आएगा, क्योंकि वहां पर भी जो है हम नए अपडेट्स देते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारी आज की वीडियो के बारे में। तो नंबर वन बुक है इंडियन विलेज, जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1955 में, और इस बुक को लिखा है एससी दुबे ने, जिनका पूरा नाम है श्याम चरण दुबे। नंबर टू है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, तो ये बुक लिखी गई है एम एन श्रीनिवास द्वारा। नंबर थर्ड बुक है एम एन श्रीनिवास द्वारा ही लिखी बुक द रिमेम्बर्ड विलेज, जो कि ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी 1978 में। नंबर फोर बुक है फादर ऑफ इंडियन शशौलजिस्ट द्वारा लिखी कास्ट एंड रेस इन इंडिया। नंबर फाइव है होमो हायरार्कीज, जो कि लिखी गई है लुइस डुमोंट द्वारा। नंबर सिक्स है रिलीजन एंड सोसाइटी, तो इस बुक के ऑथर हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नंबर सेवन बुक है द शशौलजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। सो फ्रेंड्स, ये बुक जो है कई बार एग्जाम में आ चुकी है, तो इस बुक के ऑथर हैं नील जे स्मेल्सर, जिनका पूरा नाम है नील जोसेफ स्मेल्सर। नंबर एट बुक है कल्चरल सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, तो इस बुक के ऑथर्स हैं लेस बैक, लोरा डेस्फोर, ईडल्स, एंड्रयू बेनेट, डेविड इंगल्स, मार्गरेट गिब्सन। तो इन सभी सोशियोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन से जो है कल्चरल सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन बुक जो है लिखी गई है। नंबर नाइन बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, तो काफी फेमस बुक है जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। नंबर टेन बुक है हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ये बुक लिखी है गार्डनर लिंजी द्वारा। नंबर इलेवन है ह्यूमन सोसाइटी, जो कि ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी 1949 में, और इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं किंग्सले डेविस। नंबर ट्वेल्व बुक है द लेजर क्लास, ये बुक है थॉरस्टन वेबलन की, ये बुक जो है ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1989 में। सो फ्रेंड्स, बुक नंबर 13 है जिसमें आपको गेस करना है इस बुक के ऑथर का नाम। आप जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बुक के ऑथर का नाम या फिर बुक के राइटर का नाम जो है गेस कर सकते हैं। डिसिप्लिन एंड पनिश बुक के राइटर या ऑथर कौन है? ए राल्फ डेरेंड्रॉफ, बी जैकेस डेरिडा, सी माइकल फुके, डी जेम्स फ्रेजर। बुक नंबर 14 है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस्ड सोसाइटीज, ये बुक है एंथनी गिडिंग्स की। बुक नंबर 15 है द लैंग्वेज ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, तो ये बुक लिखी गई है चार्ल्स जेनेक्स द्वारा, जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1977 में। बुक नंबर 16 यूरोसेंट्रिज्म, समीर आमीन जो है इस बुक के राइटर हैं। नंबर 17 है फिनोमिलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, एल्फ्रेड शूट्स। नंबर 18 बुक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, अ ट्रीटाइज इन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो कि ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी 1966, और इस बुक के ऑथर्स का नाम है थॉमस लकमैन एंड पीटर एल बर्जर। नंबर 19 है ट्रायल्स ट्रिबुलेशंस एंड ट्रम्प्स, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सोशियोलॉजिस्ट, ये बुक लिखी गई है टी के ओमेन द्वारा। नंबर 20 है पॉलिटिक्स ऑफ द कुलारिंग एंड एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ ब्रोनिस्लो मेलिनोवस्की, तो इस बुक के राइटर हैं जेपीएस उब्रॉय। नंबर 21 बुक है टोटिमिज्म एंड एक्सोगेमी, तो इस बुक के राइटर हैं सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। नंबर 22 है बुक है हमारी द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, जिसे लिखा था रॉबर्ट किंग मर्टन ने, और ओरिजिनली पब्लिश हुई थी ये बुक 1962 में। बुक नंबर 23 हु रोट एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी 1767 विच रिप्रेजेंट्स अ सिस्टमैटिक डेवलपमेंटल सोशियोलॉजी, यानी कि जो कि एक व्यवस्थित विकास समाजशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये बुक लिखी गई है एडम फर्गुसन द्वारा। नंबर 24 बुक जो है काफी फेमस बुक है
प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1905 में और लिखी गई है मैक्स वेबर द्वारा। नंबर 25 बुक है मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज, इस बुक के राइटर हैं ब्रॉनिस्लो मेलिनोवस की। 26 है स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी, जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1968 में और इस बुक के राइटर हैं मिल्टन सिंगर। नंबर 27 बुक है मैक्स वेबर द्वारा लिखी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। नंबर 28 बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो कि टालकट पार्सन्स द्वारा लिखी गई है। नंबर 29 बुक है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1943 में और इस बुक के ऑथर हैं विलियम फुट वाइट। नंबर 30 बुक है लैटिन अमेरिका अंडर डेवलपमेंट और रेवोल्यूशन, ये बुक है आंदर गुनर फ्रैंक की। नंबर 31 बुक है द थर्ड वर्ल्ड, जो कि 1964 में पब्लिश हुई थी, जो कि लिखी गई थी पीटर वर्सली द्वारा। बुक नंबर 32 है नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप स्टडीज ऑफ आवर चेंजिंग सोशल ऑर्डर, ये बुक है रिनहार्ड बेंडिक्स की। उसके बाद बुक नंबर 33 है एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, इस बुक के ऑथर हैं गुनर मर्डयाल। बुक नंबर 34 है द सिमेट्रिकल फैमिली अ स्टडी ऑफ वर्क एंड लेजर इन द लंडन रीजन, ये बुक ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1973 में, इस बुक के ऑथर हैं माइकल यंग। नंबर 35 है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये बुक लिखी गई है सिगफ्राइड फ्रेडरिक नाडेल द्वारा, यानी कि SF नाडेल द्वारा। नंबर 36 है सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो कि 2003 में पब्लिश हुई और इस बुक के ऑथर हैं डेरिक गेल्डरब्लम। नंबर 37 बुक है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक लिखी है एंथनी जे ब्रैडली और मार्क पी मैकडोनल्ड द्वारा। नंबर 38 बुक है एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इस बुक के राइटर हैं मुजफ्फर शरीफ एंड कैरोलिन डब्ल्यू शरीफ। नंबर 39 बुक है रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा लिखी लिटिल कम्युनिटी। नंबर 40 बुक है मिरर फॉर मैन, जो क्लाइड क्लकहॉर्न द्वारा लिखी गई है। नंबर 41 बुक है टेपोजलान अ मैक्सिकन विलेज अ स्टडी ऑफ फोक लाइफ, इस बुक के राइटर हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। नंबर 42 बुक है थियोडर रोजक द्वारा लिखी गई द मेकिंग ऑफ काउंटर कल्चर, जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1969 में। उसके बाद 43 है द न्यू क्लास एन एनालिसिस ऑफ द कम्युनिस्ट सिस्टम, ये बुक है मिलोवन जिलास की। नंबर 44 है जॉर्ज कैस्पर होमन्स द्वारा लिखी द ह्यूमन ग्रुप। नंबर 45 बुक है द माइंड एंड सोसाइटी, जो कि विल्फ्रेड प्रेटो द्वारा लिखी गई है। नंबर 46 पर फ्रेंड्स हम जो है तीन बुक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये बुक लिखी गई है रॉबर्ट इलाइज द्वारा। नंबर 2 बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन, इस बुक के ऑथर है एलेक्स इंक्लस। तीसरी बुक है फिर से व्हाट इज सोशियोलॉजी, इस बुक के राइटर हैं जोहानन ग्राफ। सो फ्रेंड्स इन तीनों बुक्स के जो ऑथर हैं वो अलग अलग हैं, तो फ्रेंड्स अगर कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो तीनों ऑथर्स के नाम जो हैं ऑप्शन में नहीं होंगे, इनमें से जो है सिर्फ एक ही ऑथर का नाम ऑप्शन में होगा। इन बुक्स का नाम जो है काफी सिमिलर है लेकिन ऑथर्स जो हैं अलग अलग हैं। नंबर 47 बुक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये बुक लिखी गई है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट GS गुरे द्वारा, जिनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव गुरे और ये बुक ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1932 में। नंबर 48 बुक है कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये बुक लिखी गई है BR अंबेडकर द्वारा। नंबर 49 बुक है द सेवेज माइंड, तो ये बुक ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1962 में। जब ये बुक पब्लिश हुई तो उस समय जो है ये बुक पब्लिश हुई थी फ्रेंच लैंग्वेज में और इस बुक के ऑथर हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस और इस बुक का ओरिजिनल टाइटल है लॉ पेंसी सॉवेज और इंग्लिश लैंग्वेज में ये बुक पब्लिश हुई थी 1966 में। बुक नंबर 50 है कास्ट क्लास एंड पावर, जो कि 1965 में पब्लिश हुई और एंड्रे बेतली द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 50 बुक्स, बाकी आपको ये बुक्स जो है रिटन में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें।